नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया, कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मसल आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत आधुनिक काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें कवि नरेश मेहता जी की कविता वैष्णव यात्रा से महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या करवाई जा रही है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पुनः उपस्थित हैं नरेश मेहता जी की कविता वैष्णव यात्रा से, जो अत्यंत महत्वपूर्ण पद है उसकी व्याख्या को लेकर के। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, अब हम पढ़ते हैं कवि नरेश मेहता जी की कविता वैष्णव यात्रा से, जो महत्वपूर्ण पद है उसकी व्याख्या अर्थ ग्रहण को हम देखते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, पहले हम पद को पढ़ते हैं। देखते नहीं चट्टाने शताब्दियों के बाद जब कृपा नेत्र खोलती है तब वासुदेव का जन्म होता है। उस विराट संगता के बीच चंचल पत्री का ये जन्म क्या किसी अवतरण की घटना से कम है? दिशाओं पर अर्घलाएं चढ़ाकर समुद्रों को अंग वसनों की भांति समेटे इस श्यामा को मैं नहीं जानता कि ये समीदा है या स्वाहा। मैं नहीं जानता कि ये समीदा है या स्वाहा, अथवा अपने लिए उपनिषद खोजती कोई मंत्र देवता, अथवा अपने लिए उपनिषद खोजती कोई मंत्र देवता। तो प्यारे विद्यार्थी, इस पद में हमने वैष्णव जो संस्कारों से युक्त कवि नरेश मेहता जी की जो कविता है, इसमें कवि ने धरती को अत्यंत महत्वपूर्ण, पूजनीय और उनकी महत्ता का वर्णन वो किया है कि इस प्रकार से धरती ही सब कुछ है। तो धरती का यहाँ पर बड़ा आदरणीय, पूजनीय रूप में वर्णन वो किया है कवि ने। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये सब वैष्णव संस्कार के कारण कवि का मन में भाव इस प्रकार का भाव है। तो कवि ने प्रसंग में क्या लिखना है? प्रस्तुत पद्यांश कवि नरेश मेहता जी द्वारा रचित कविता वैष्णव यात्रा से उद्धृत है, और इसमें कवि ने धरती का जो अवतार लेना है या धरती का उदय होना है, ठीक है, इस सृष्टि में इस धरती का जो उदय या अवतार जो होने का क्रिया है, और साथ ही साथ उसके विराट स्वरूप को धारण करने की बात हो, चाहे ईश्वर की बात हो, जो ईश्वर है वो विराट स्वरूप धारण करता है, या फिर धरती का ये जो विराट स्वरूप है उसका वर्णन करके, और समुद्र से घिरी हुई ये जो धरती है, पृथ्वी है, उसको मंत्र देवता के समान बताया है। समुद्र के चारों ओर जो धरती घिरी हुई है, ये धरती है, वो चारों ओर ऐसा कहा जाता है कि जल तत्व सबसे ज़्यादा है, तो ये समुद्र से घिरी है। तो ऐसे समुद्र से घिरी ये जो धरती है उसको मंत्र देवता के समान बताया है। प्यारे विद्यार्थियों, कुछ एक शब्दार्थ देखते हैं। कृपा रूपी नेत्र, दया रूपी नेत्र, शताब्दियों में सैकड़ों वर्षों से वासुदेव यानी श्री कृष्ण, वासुदेव मने श्री कृष्ण, विराट मने विशाल, असंगता का मतलब होता है साथ नहीं देना, यानी साथ में नहीं लेना, यहाँ पर आसक्ति के बिना इसका अर्थ होगा, आसक्ति के बिना, या हम जिसको हम क्या कह सकेंगे, निसंगता, आसक्ति के बिना, चंचल पत्री मैंने चंचल पत्तों, क्या किसी अवतरण से यानी जन्म से या फिर अवतार से,
की घटना से कम है, दिशाओं की यानी जो चारों दिशाओं हैं या फिर चारों या फिर दसों दिशाओं। अर्गलय का मतलब होता है सांकल, ठीक है, अर्गला का अर्थ हो गया सांकले, सांखल नहीं है सांकले। समुद्रों के अंग वसन मतलब शरीर पर धारण करने वाले वस्त्र, शरीर को ढकने वाले वस्त्र, कपड़े, भांति, समेटे। श्यामा यहाँ पर युवती के लिए आया है, युवती या स्त्री जो कि योगना मद है। समिधा हवन सामग्री, हवन की लकड़ी, लकड़ी ईंधन यानी जो घी इत्यादि, जो घी तिल ईंधन जो सम्मिश्रण होता है उसको समिधा कहते हैं। स्वाहा का मतलब यहाँ पर आहुति से है, मंत्र के उच्चारण के बाद में स्वाहा कह करके आहुति दी जाती है। उपनिषद खोजती कोई मंत्र देवता, देखिए उपनिषद आगे इसमें अर्थ हमें रूप में देखिए प्यारे विद्यार्थियों। कवि यहाँ पर कहते हैं नरेश मेहता जी कि देखते नहीं चट्टाने शताब्दियों के बाद जब कृपा नेत्र खोलती है तो वासुदेव का जन्म होता है। कवि यहाँ पर कह रहे हैं नरेश मेहता जी कि इस धरती पर जब चट्टाने अपनी सैकड़ों सैकड़ों वर्षों के बाद में जब अपनी कृपा नेत्र खोलते हैं अर्थात अपनी अपनी कृपा का स्वरूप वो व्यक्त करते हैं, तब या यूँ कह सकते हैं कि जनता के कल्याण के लिए, जनमानस के कल्याण के लिए जब चट्टानें सैकड़ों वर्षों के बाद में अपने कृपा नेत्र खोलते हैं तब धरती पर भगवान कृष्ण का जन्म होता है। जन कल्याण की भावना से इस धरती पर शताब्दियों के बाद में भगवान को अवतार के रूप में जन्म देती है। कौन? ये धरती ही जन्म देती है भगवान को, ईश्वर को जन्म देने वाली भी यह धरती। तो इस प्रकार से यहाँ पर बताया है कि जब चट्टाने हैं वो सैकड़ों सैकड़ों वर्षा के वर्षों के उपरांत जब अपनी कृपा रूपी नेत्र खोलती हैं तब भगवान कृष्ण का जन्म होता है, अर्थात इस सृष्टि में इस धरती पर भगवान का अवतरण होता है। तो यह धरती ही भगवान का अवतरण करने में प्रधानता उसकी, इसलिए उसका महत्व है, धरती का ही महत्व है। कवि यहाँ पर धरती को अत्यंत महत्वपूर्ण पूजनीय बता रहे हैं। उस विराट असंगता के बीच में चंचल पत्री का ये जन्म क्या किसी अवतरण की घटना से कम है? प्यारे विद्यार्थियों कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि सृष्टि के विराट स्वरूप से, सृष्टि के उस विराट स्वरूप से, उस विराट असंगता, असंगता मन आसक्ति से रहित या आसक्ति के बिना निसंगता, तो इस विराट स्वरूप से बिना कोई आसक्ति रखे निसंग भाव से जब इन निसंगता के बीच में चंचल पत्री यानी चंचल पत्तों वाली ये जो धरती है उसका उदय होता है, ठीक है, सृष्टि का जो विराट स्वरूप होता है और उस समय सृष्टि के विराट स्वरूप में बिना कोई आसक्ति रखे, बिना कोई निर्लिप्तता मोह माया आसक्ति के धरती चंचल पत्तों के समान, चंचल पत्तों वाली ये जो धरती, चंचल पत्तों वाली क्यों बताया है? क्योंकि धरती हमेशा गतिशील है, चंचल है, गतिमान है, इसलिए चंचल पत्तों वाली इस धरती का उदय किसी अवतरण या अवतार से कोई कम घटना नहीं है ये, ठीक है ना। जैसे ईश्वर का अवतार होता है ऐसे ही धरती का जब अवतार हुआ है, धरती गतिमान, जब गतिमान रूप में इस ये सृष्टि में छाई है तो उस समय ये धरती चंचल पत्तों वाली धरती का उदय होना कोई अवतार के आविर्भाव से कम नहीं है, महत्वपूर्ण घटना है ये। कवि का यहाँ पर तात्पर्य है प्यारे विद्यार्थियों कि ये जो विराट सृष्टि है उस विराट सृष्टि में धरती का उदय होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, बड़ी गरिमामय
बड़ी महत्वपूर्ण घटना है इसको। और ये धरती, यहाँ कवि ने कहा ना, क्या किसी अवतरण की घटना से कम है, यानी जैसे किसी का अवतार होता है, ईश्वर का जैसे अवतार होता है, ऐसे ही इस धरती का उदय होना भी एक अवतार की तरह ही है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, जिस प्रकार से चंचल पत्तों वाली धरती का उदय होना कोई अवतार की घटना से कम नहीं है। दिशाओं पर अरगलाई चढ़ाकर समुद्रों को अंग वसनों की भांति समेटे इस श्यामा को, दिशाओं पर अगर अर्गलाएँ चढ़ाकर, सांखली चढ़ा करके, वो समय ये धरती है वो चारों दिशाओं को कह सकते हैं, या फिर दसों दिशाओं में एक अवरोध के रूप में जो सांखले हैं उसको चढ़ा करके, दसों दिशाओं रूपी जो सांखले हैं वो चढ़ा करके सभी ओर से समुद्रों को अंग वसनों की भांति, चारों ओर समुद्र है धरती के, उस समुद्र रूपी वस्त्रों को, उस समुद्र रूपी वस्त्रों को ये धरती रूपी नायिका वो पहनती है, अर्थात शरीर को ढकती है। तो सभी ओर यहाँ दसों दिशाओं के सांकलों को चढ़ा करके, दसों दिशाओं को सांकल बताया, अवरोधक बताए हैं, और सभी ओर से समुद्र रूपी वस्त्र को धारण करती है। समुद्र रूपी वस्त्र जो शरीर के ढकने के वस्त्र है उसको समेट करके उस समय धरती रूपी नायिका या स्त्री इस प्रकार से लग रही है जैसे कोई यौवन के मध्य, यौवन से भरी हुई स्त्री है, वो अपने अंगों को वस्त्रों से ढकती है। ऐसे यहाँ पर समुद्र को तो क्या माना है, वस्त्र, धरती को नायिका स्त्री के रूप में चित्रित किया गया है कि धरती रूपी जो स्त्री है वो समुद्र रूपी वस्त्रों से आवर्त रहती है, ढकी हुई रहती है। और फिर देखिए कवि कहते हैं कि श्यामा को, यानी श्यामा अर्थात होता है युवती, यौवन से भरी हुई युवती है, उसको श्यामा कहा जाता है। तो कवि यहाँ पर धरती को यौवन से भरी हुई युवती के रूप में चित्रित करते हुए कह रहे हैं कि ये धरती समुद्र रूपी वस्त्रों को धारण करती है। कवि यहाँ पर आगे कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता कि ये समिधा है या स्वाहा, अथवा अपने लिए उपनिषद खोजती कोई मंत्र देवता। कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं इस धरती के संबंध में क्या कहूँ, इस संबंध में मैं इतना ही जानता हूँ कि ये यज्ञ की समिधा है। ये धरती क्या है, ये धरती यज्ञ की समिधा है। ये धरती क्या है, यज्ञ की संविधा। यज्ञ की संविधा है, और यज्ञ की संविधा यानी जैसे जिसको संविधा में ईंधन को, लकड़ी को, जो हवन सामग्री के लिए जो लकड़ी होती है उसको घी, घी, जौ, तिल इत्यादि से जो संबंध मिश्रित जो द्रव्य होता है उसको संविधा कहा जाता है। तो इस प्रकार से कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं इस धरती के संबंध में यही जान या नहीं जानता कि मैं ये नहीं जानता क्या नहीं जानता कि ये यज्ञ की संविधा है या फिर इसकी आहुति है। स्वाहा यानी आहुति, कोई भी मंत्र इत्यादि होते हैं तो उनको अंत में स्वाहा शब्द बोला जाता है। जैसे हम कोई गायत्री मंत्र से यज्ञ को, यज्ञ में आहुति देते हैं तो बोलते हैं ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। तो इस प्रकार से आहुति देते हैं। तो ये यज्ञ की समिधा अथवा उससे उसकी आहुति है, या फिर ये धरती अपने लिए उपनिषद में खोजती हुई कोई मंत्र देवता के समान है। उपनिषद जो ग्रंथ है तो उपनिषद खोजती हुई कोई मंत्र देवता है। कहने का तात्पर्य है कि कवि को ये प्रति सब कुछ लगती है और उसके ये सब विविध रूप है। कवि को अनेक धरती वो अनेक रूपों में दिखती है। कवि को ये धरती यज्ञ की संविधा के रूप में दिखती है, कभी आहुति के रूप में, कभी मंत्रों के रूप में, ऋचाओं के रूप में। हमने इसे विगत वाले वीडियो में पढ़ा भी था। धरती समुद्र के वस्त्रों को धारण कर रखी है
और विराट असंगता के बीच में वो जन्म लेती है। तो ये कितने आविर्भाव का, उनका धरती का आविर्भाव होना कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं है। तो इस प्रकार से कवि को ये धरती के प्रति अत्यधिक मोह है, धरती के प्रति ममता का भाव है, धरती के प्रति पूजनीय माता के समान जो स्वरूप है वो कवि को दिखाई दे रही है। तो धरती को यहाँ पर अनेक अनेक रूपों में दिखाया गया है, समिधा के रूप में, स्वाहा आहुति के रूप में, युवती श्यामा के रूप में, कोई मंत्र देवता के रूप में धरती के विभिन्न रूप दिखाई देते हैं। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों ये पद समझ में आ गया होगा। विशेष वाले पॉइंट में आपको लिखना है कि धरती पर भगवान के द्वारा समय समय पर अवतार होता है, उनका जन्म होता, अवतार रूप में जन्म लेना और वह लोक हित का पोषण करना, ये हमारे भारतीयों की या फिर हिंदू धर्म की आस्था का प्रतीक है। पृथ्वी के चारों ओर समुद्र है, इसी तरह स्थित है, समुद्र चारों ओर, धरती के चारों ओर स्थित है और ये उसी प्रकार से है जैसे ये स्त्री रूपी धरती है और उसके ये वस्त्र हैं। क्या है? समुद्र। समुद्र क्या है? वस्त्र। तो यहाँ श्यामा शब्द के अर्थ में अलग अलग अर्थ आता है। श्यामा का मतलब होता है यौवन मध्यस्थता वाली स्त्री, श्यामा का मतलब काली स्त्री को भी श्यामा कहा जाता है, तुलसी के पौधे को भी श्यामा कहा जाता है, गाय के लिए भी श्यामा शब्द का इस्तेमाल होता है और राधा के लिए भी श्यामा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर धरती को यौवन से भरी हुई धरती श्यामा के रूप में, स्त्री के रूप में चित्रित किया है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों विशेष में और भी लिख सकते हैं, जिससे प्रत्येक वेद मंत्र का कोई ना कोई देवता होता है, वेद मंत्र है वो कोई ना कोई देवता को लेकर के ही मंत्र उच्चारित किए जाते हैं, हर एक मंत्र का कोई ना कोई देवता अवश्य होता है। उसी की तरह से धरती को लेकर के यहाँ पर पृथ्वी सूक्त रचा गया है। ठीक है, हमारे वेदों में पृथ्वी सूक्त लिखा गया है, तो इन सूक्त में पृथ्वी सूक्त में पृथ्वी की महिमा का गुणगान किया गया है, उनको पृथ्वी को एक तरह से उनके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। उस संदर्भ में कुछ मंत्र उसमें दिए हुए हैं, सूक्त रचा गया है, उपनिषदों में इसका अनेक प्रकार से उल्लेख है वो किया गया है। उपमा रूपक परिकर अलंकार है, उपमा अलंकार है, परिकर अलंकार है और रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। तो ये अलंकार, अनुप्रास, परिकर, उपमा अलंकार। तो ये आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों ये आपको समझ में आ गया होगा। खड़ी बोली हिंदी है, तत्सम तद्व शब्दावली से युक्त रचना है, तो आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे। कवि नरेश मेहता जी की कविता वैष्णव यात्रा से आगे के महत्वपूर्ण पद को लेकर के, तब तक के लिए इस पद को आप ठीक प्रकार से पढ़े, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये पद, इसको ठीक प्रकार से पढ़े समझे, क्योंकि इसमें धरती की बहुत दिग महानता का चित्रण इसमें किया गया है और इस तरह से, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप इसको ठीक प्रकार से पढ़े समझे, अर्थ ग्रहण करें और नोट्स बनाकर याद भी करें। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी, धन्यवाद विद्यार्थियों।